सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। आज का पंचांग 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 12:12 तक रहेगी। कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:30 से 9:10 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि, आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है इनमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। आज आपकी प्रसिद्धि का जादू दिन भर छाया रहेगा। आए दिन आपके आराम और मौज मस्ती का मौका आपको, ये सब आपकी कड़ी मेहनत का ही फल है। अब आप कह सकते हैं कि आपके सभी काम ठीक से चल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने काम को लेकर पहले से ही सही योजना बना रखी है। किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आप अपनी तरफ से अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करें। इसकी शुरुआत आप अपने जुबा पर काबू रखकर कर सकती हैं। सही संप्रेषण से आपको बहुत मदद मिलेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है तो आपका खामोश रहना ही बेहतर होगा। आज के दिन आपके मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि का दिन रहेगा। आज आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिनमें आपका कुछ धन भी व्यय होगा। आज आप संतान के दायित्व की पूर्ति भी कर सकते हैं। नौकरी में आज आपके ऊपर ज्यादा दबाव डालने पर अकेले काम करने की नौबत आ सकती है। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आज आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। संध्या काल का समय आज आप अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। सावधानियां, आज आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान भी रहना होगा। बड़े बुजुर्गों से बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। वाद विवाद से आज दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। यह आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे, लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि आप सभी की उम्मीद को पूरा करने में सक्षम हैं और यह चीजें आपके रिश्ते को और गहरा बनाती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी, क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। बात करते हैं करियर की। आपने हमेशा अपना कार्य बखूबी के साथ किया है और आज आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का
समर्थन और अनुमोदन भी जीतेंगे। आपकी ईमानदारी, रचनात्मकता और काम के प्रति समर्पण देखा जाएगा और आपको इसका पुरस्कार, फल या उपहार भी मिलेगा। आज के दिन अपने कार्य से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पूरा होने में, लेकिन आज फिर भी आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपको सपना आ सकता है, लेकिन उनसे आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आप होम्योपैथिक तरीके अपनाने की विशेषज्ञों की सलाह को काफी समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आपको अब शरीर के सब हिस्सों में दर्द महसूस होने लगा है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब शंकर भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।